हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DUET PG की जो आंसर की रिलीज़ हुई है ये, और ये कल रात हुई है। कल रात यानी कि 9 नवंबर को ये आंसर की रिलीज़ हुई है। आंसर की का मतलब आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो रिलीज़ हुई है, और उस रिस्पॉन्स शीट को कैसे चेक कर सकते हैं आप, उसके अगेंस्ट जो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, तो वो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो जो एग्ज़ाम हुआ था ये हमें पता था 17 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट ये जो रेस्पॉन्स शीट है ये आ गई है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो जो हैं उसमें मैंने बताया भी था कि 9 या 10 नवंबर तक ये जो रेस्पॉन्स शीट है वो आ जाएगी। तो जो भी बच्चे जिन्होंने पीजी एग्ज़ाम दिया था DUET का, तो वो अपनी रेस्पॉन्स शीट है वो इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पर जाकर अपनी जो रेस्पॉन्स शीट है उसको चेक कर सकते हो, और उसके बाद क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कैसे करना है उसको मैं आगे वाले स्टेप के अंदर बताऊँगा। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता दूँ तो 9 नवंबर से और 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं कर सकते। और सेम डेट ही यानी कि 11 नवंबर को अप टू 11:50 PM तक आप जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हैं उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। 11 नवंबर को रात 11:50 तक आपने जो भी क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उसका पेमेंट कर सकते हैं। आपको पर क्वेश्चन का 200 रुपये पे करना होगा चैलेंज। आप जो भी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे उसका एक क्वेश्चन का 200 रुपये लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो 5 क्वेश्चंस के जगह अगेंस्ट फीस लगेगी वो 1000 रुपीज़ लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, उसके बाद जो ये पेमेंट है ये ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। और उसके बाद जो लिखा है नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ, एक बार आप क्वेश्चन चैलेंज कर देते हैं और जो आप फी पेमेंट नहीं करते तो आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे उनको जो उनकी एक्सपर्ट पैनल है वो चेक करेगा, अगर वो क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर रहे हैं वो रॉन्ग है या मतलब उसमें कुछ अपडेट हुआ है तो वो क्वेश्चन का जो बेनिफिट है वो उन सभी लोगों को मिलेगा जिसने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। मैं वापस बोल दूँ, जो भी क्वेश्चन चैलेंज हुआ है चाहे वो किसी ने भी किया है, अगर उसमें अंदर उसके अंदर कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो उस गलत होता है चाहे वो सही होता है, तो उसका बेनिफिट उस एक हर कैंडिडेट को मिलेगा जिसने वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था पेपर के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद बात करें कि ये जो चैलेंज है आप ये किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको जो लिंक दिया गया है उसमें जाएंगे आप अपनी आंसर की को चेक करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कौन से फॉर्म में? YYYY, यानी कि सबसे पहले आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर डेट डालनी है। फिर आप देखेंगे कि एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है और जो आपके आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएंगी। जो उसके बाद आपको अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो उसके आगे लिखा होगा एड चैलेंज, है ना, एड चैलेंज लिखा होगा। उसके बाद जो ये इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्वेश्चन आ गए, तो की चैलेंज फ्रॉम विल बी डिस्प्ले आफ्टर क्लिकिंग ऑन, जब आप एड चैलेंज करेंगे तो ये इस तरह से की चैलेंज फॉर्म दिखना लग जाएगा। की चैलेंज फॉर्म दिखेगा तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, है ना, फिर उसके बाद लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, कौन से नंबर के क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं, फिर क्या ऑप्शन, अगर आपको कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है तो वो वहाँ पर आपको मार्क करना है। फिर आपको नेचर ऑफ चैलेंज, नेचर ऑफ चैलेंज में यानी कि ये इसके आंसर रॉन्ग है या कोई इमेज रॉन्ग है, इस तरह से आपको नेचर ऑफ चैलेंज में आपको शो करना है। फिर उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आपको जो मिनिमम मतलब 150 कैरेक्टर्स के अंदर जो भी आप बताना चाहते हैं उसको वहाँ पे कि ये गड़बड़ है इसमें या ये होना था वो आपको लिखना है। उसके बाद जो भी चीज़ आप चैलेंज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रूफ सबमिट करना है। प्रूफ का सबमिशन का मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक, जो स्टैंडर्ड बुक से अगर आपको कोई क्वेश्चन का पता लगा है या जो उस जो क्वेश्चन पेपर में आया था उसका सॉल्यूशन
स्टैंडर्ड बुक में कुछ डिफरेंट तरीके से रखा है, तो वो आपको स्कैन करके उसकी इमेज आपको सेंड कर देनी है। वो यहाँ पे आपको अटैच करनी है, यहाँ पर 6 नंबर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको अटैच करना है। फिर एक क्वेश्चन आपका ऐड हो गया। इसी तरह से फिर आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कराना है तो फिर वहाँ पर भी लगाना है ऐड चैलेंज। फिर वापस यही फॉर्म ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर इसको वापस से फिल करना है और फिर इसके अगेंस्ट क्या लगाना है, प्रूफ लगाना है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको प्रूफ लगाना है। अगर प्रूफ नहीं लगाओगे तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन पे कोई काम ना किया जाए। फिर वापस से जो फ़ी है वो फ़ी पर चैलेंज की 200 रुपये होगी, यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके सीधे सीधे 1000 रुपये बन गए। और अगर आपने क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, फ़ी को प्रोसेस नहीं किया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि जो आंसर की है उसको किस तरह से चैलेंज करेंगे। अब जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई फिज़िक्स का स्टूडेंट है तो एक बार अपनी जो आंसर की है वो अगर मेरे साथ शेयर कर सकता है तो प्लीज़ शेयर कर देना, तो कुछ होगा तो मैं उसको बता दूँगा। और उसके बाद फिर बात करें कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिज़ल्ट कब तक है, तो ये जो आंसर की है इसको जो चैलेंज कर रहा है वो 11 तारीख तक, यानी कि 11 नवंबर तक तो आपको चैलेंज ही लगाना है, तो उसके 2 या 3 दिन यानी कि 13 या 14 तारीख तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो निकलेगी, और जो रिज़ल्ट है वो करीबन 16 या 17 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। किसका, जो आपकी फ़ाइनल आंसर की के बाद जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, मेरे समझ में वो 16 से 17 नवंबर तक हो जाना चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट जो आंसर की चैलेंज है वो, और आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के बारे में था ये पूरा वीडियो। और जिन भी लोगों का कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट करके लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है और जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा अगर मुझे उसका आंसर पता होगा। और वापस से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर बंदा फिज़िक्स का है जो भी हो, अगर वो अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर कर सकता है तो प्लीज़ शेयर कर देना।